और मालेगांव शहर का पहला नो प्रॉफिट नो लॉस वैसे नीड सेंटर स्टडी सेंटर बहुत शहर में है लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर शेख रशीद साहब के नाम से हम लोग यहाँ पर आज 3 करोड़ रुपया के फंड से संग बुनियाद रखने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं। शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ और शेख रशीद साहब का सियासी सफ़र इसी मोहल्ले से शुरू हुआ। काउंसिलर शेख रशीद साहब बने, सदर बल्दिया बने, मेयर बने, एमएलए बने और 40 साल सियासी ज़िंदगी सामाजिक काम में शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए, शहर के गरीबों के लिए, शहर के अमीरों के लिए, शहर के मजदूरों के लिए, शहर के बुनकरों के लिए, हर वो ख़ास व आम आदमी के लिए शेख रशीद साहब ने अपनी 40 साल सियासी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्फ की। और एक इत्तेफाक देखो आप कि जब शेख रशीद साहब का 40 साल हम लोग ने जश्न बनाया तो इसी मुकाम के ऊपर बनाया, यही मंच लगा हुआ था और यही शहरी इस्तकबाल शेख रशीद साहब को हमने दिया और वह आखिरी प्रोग्राम था। उसके बाद शेख रशीद साहब की तबीयत बिगड़ने लगी, ख़राब होने लगी और उसके बाद शेख रशीद साहब हमको छोड़कर दुनिया से चले गए। काफ़ी हमारे साथियों ने, काफ़ी हमदर्दों ने कई तजावीज़ हमारे अपने पास लाई कि शेख रशीद साहब के नाम से ये फला रास्ता रखना है, फला मोहल्ले का नाम रखना है, फला इमारत का नाम रखना है, फला हॉल का नाम रखना है। लेकिन मैं और हमारे तमाम ही परिवार के लोगों ने उनसे माजरत चाही कि रुकिए, हमको ऐसा एक काम करना है जो हमारे शहर के आने वाले, हमारे कौम के बच्चे, हमारे शहर के मुस्तकबिल, उनके लिए हम कुछ तालीमी काम करना चाहते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सब्र कीजिए। और अल्लाह का करम है, मैं इस मौके पर अजीत दादा पवार साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस वक्त तो मैंने लेटर दिया और अजीत दादा पवार साहब से कहा कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया और हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर एक स्टडी सेंटर उनके नाम से कायम हो, उन्होंने 3 करोड़ रुपया अपने हिस्से का, मैं क्या बोल रहा हूँ साफ तौर पर, अपने हिस्से का 3 करोड़ रुपया माइनॉरिटी फंड जो उनको मिला था, उन्होंने अपने हिस्से का 3 करोड़ रुपया शेख रशीद साहब के नाम से वक्फ किया और उसको मंजूरी दी। हमने उसकी पूरी कानूनी प्रोसीजर की और हमने ये जगह चॉइस की और ये 11,500 स्क्वायर फीट के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन के ऊपर आज हम लोग इसका संगे बुनियाद रखने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। नदीम सर ने और काफ़ी हमारे साथियों ने मशवरे दिए, बिल्कुल सच बात है, सिर्फ वो इसको नीट क्लासेस का नाम हम लोग अखबारात के ज़रिए हम लोगों ने फ्लैश किया, आवाम तक पहुँचाया, लेकिन हमारा ये मकसद है, जो दावतनामा, ये जो इश्तियार हमने छापा है अखबारात के अंदर, हमारा ये मकसद है। सबसे पहले तो मैं इसकी खसूसियात क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। ये 8 कमरा होगा यहाँ पर, बड़ा बड़ा 8 कमरा स्टडी सेंटर जो क्लासेज चलेगी। एक ऑडिटोरियम होगा जो शेख खलील मरहूम उनके नाम से ऑडिटोरियम का नाम रखा जाएगा, जो 200 चेयर का होगा, जिसमें कंबाइन लेक्चर बच्चों के लिए वहाँ पर करवाए जाएंगे ताकि बाहर से कोई अगर मेहमान आए तो उन लोगों को अच्छा ज्ञान दे सके, उन लोगों को अच्छा लेक्चर वगैरह दे सके, इसके लिए एक ऑडिटोरियम ऊपर होगा। उसके बाद लड़कियों के लिए बिल्कुल रास्ता अलग होगा, लड़कियों के लिए बैठने के लिए बाहर स्पेस हमने रखा है, उसके अंदर छोटा गार्डन हम लोग बना रहे हैं। लड़कों के लिए रास्ता बिल्कुल अलग होगा, लड़कों के लिए एक छोटा गार्डन हम लोग अंदर नीचे बना रहे हैं। और इसी के साथ साथ स्टाफ के लिए जो वहाँ पर हेड होगा उनका क्लासरूम रहेगा, उनका ऑफिस रहेगा, स्टाफ जो रहेगा, जो टीचर्स रहेंगे, जो बच्चों को तालीम देंगे, ट्यूशन देंगे, उन लोगों के लिए सेपरेट हम लोगों ने क्लासरूम, स्टाफ रूम हम लोगों ने उसके अंदर रखा है। और इसी के साथ फ्यूचर के अंदर हमने चाल छोड़ी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमारत को बढ़ाकर, जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे हम लोगों ने चाल छोड़ा। इस तरीके से वॉल कंपाउंड रहेगा, सीसी कैमरा पूरा लेस रहेगा और इसके अंदर फर्नीचर भी रहेगा बच्चों के लिए बैठने के लिए, स्टाफ के लिए, क्लासेस के लिए, बच्चों के लिए। एक आला दर्जे का हम लोग ये स्टडी सेंटर बना रहे शेख रशीद साहब के नाम से। उसके बाद हमने ये सोचा है कि नीट क्लासेस
और GAA की जो क्लासेस रहेगी वो तो चलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन की क्लासेस, हाई स्कूल की क्लासेस और हमारा सीनियर कॉलेज की क्लासेस, जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज की क्लासेस भी ट्यूशन की यहाँ पर चलाने का हमारा प्रोग्राम है और हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। और सबका टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग होगा, लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग, लड़के के लोग के अलग टाइमिंग, और ये टाइमिंग से लेकर हम लोग इसको चलाने वाले हैं। ख़ास तौर पर मैंने इससे पहले भी बार बार ये ऐलान किया हूँ, आज दोबारा बोल रहा हूँ कि ये हमारा अपना जो मकसद है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जो टीचर्स का स्टाफ होगा, जो पावर बिल आएगा, जो मेंटेनेंस लगेगा साफ सफाई का, जो स्टाफ का पगार रहेगा, वो पूरा हम लोग एक करके और बच्चों पे डिवाइड कर देंगे, ताकि उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सिर्फ हो सकता है। जहाँ पर 1,00,000 रुपया नीट के लिए अगर बड़ी जगह जाएंगे तो 1,00,000 रुपया साल का लगता है, साल का, हम लोग हो सकता है 10,000 रुपये में कर दे साल का, इतना उसका डिफरेंस होगा, उसका इतना डिफरेंस हम लोग रखने वाले, हो सकता 15 में हो जाए, ये डिफरेंस उसके अंदर रहेगा। और जो भी क्लासेस चलेगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी। हमारा मकसद रुपया पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद ये शहर के बच्चों को, ये शहर के गरीबों के बच्चों को, ये शहर के मजदूरों के बच्चों को, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों के बच्चों को हम ये चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने और वो भी तालीम हासिल करे और वो भी आगे बढ़े और वो भी वक्त के साथ 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 में चले, वो पीछे ना रह जाए और अमीर का बच्चा आगे ना निकल जाए। ये हमारा अपना मकसद है और इस मकसद से, ये नेक मकसद से हम लोग आज ये इसका संगे बुनियाद हम लोग रख रहे हैं। ये हमारा अपना मकसद है, इस हिसाब से आज हम लोग संगे बुनियाद यहाँ पर रख रहे हैं। इंशाल्लाह ये तामीरी काम की हमारी कोशिश होगी, आने वाला तालीमी साल शुरू होने से पहले पहले ये मुकम्मल हो, ताकि आने वाले तालीमी साल से हम लोग इसको स्टार्ट ले सके और ये हम लोग मोहल्ले के लिए और शहर के लिए, ये कंबाइंड स्टडी सेंटर होगा, सिर्फ ये मोहल्ले का रहेगा ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं का भी बच्चा आएगा तो उसके लिए हम लोग तैयार है। एक गुंजाइश हमने इसमें और रखी है कि अब अगर बहुत ही गरीब का बच्चा आ गया, उसके पास 10 और 15 हज़ार रुपये भी देने की अगर उनके पास पोजीशन नहीं है तो उसके लिए क्या वो नहीं छूटना चाहिए? तो हमने ये तय किया कि वो बच्चे का भी एडमिशन लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कोई साहिब हैसियत है उससे बात करेंगे कि ये बच्चों की तालीम का खर्चा आप उठा लो, आप इसको गोद ले लो, लेकिन इसको तालीम दिला दो, ताकि उसका सवाब आपको भी मिलता रहे। ये हमारा अपना मकसद है, इस हिसाब से हम लोग इसको प्रोग्राम बना के आगे चल रहे, ताकि ये शहर के जो हमारे नौजवान आने वाली नस्ल है, इसका इसको फ़ायदा भरपूर मिलना चाहिए। ये हमारा अपना मकसद है, इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए और ये संगे बुनियाद रखने का एक बड़ा मैं प्रोग्राम करना चाहता था, पूरे तालीमी अदारों को बुलाना चाहता था, टीचर्स डॉक्टर सबको बुलाना चाहता था, लेकिन आचार संहिता का डर लग रहा है कि 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में कभी भी लग जाए, इसके लिए आज हम लोग संगे बुनियाद मुख्तसर में हम रख रहे हैं और इंशाल्लाह जब इसका इफ्तिदा करेंगे, ज़िंदगी रही तो हम सब लोगों को बुलाकर एक अलीशान इफ्तिदा करेंगे और शेख रशीद साहब के नाम से इसका कैंपस तैयार होगा और शेख खलील साहब के नाम से ऑडिटोरियम तैयार होगा। इस तरीके से ये इलाके की में भी इसकी बहुत डिमांड है, ये इलाका अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा डेवलप होता जा रहा है, शेख रशीद साहब की देन है, हमारे कॉरपोरेटरों की मेहनत है, ये बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। बच्चियां बहुत जगह उधर अगर वो क्रॉस करके लड़कियों को जाना पड़ता है तो लड़कियां यहीं रह जाएगी, क्लासेस मिलेगी, इलाके का डिमांड होगा, एक माहौल तालीमी हमको हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे शहर के अंदर मिलेगा, इसकी हमारी अपनी हमेशा कोशिश रही है और हमने ये मोहल्ले को हम सब लोगों ने मिलकर अल्लाह का करम है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग संभालते हैं। हमारे मुखालिफ कुछ भी बोले हज़ार खोली को, लेकिन हमारे जो यहाँ रहने वाले हैं उनको पूरा भरोसा और एतमाद है कि हम लोग कैसे लोग हैं और हमारे साथी कैसे लोग हैं, सबको एतमाद है, इसलिए यह इलाका है इतना खूबसूरत है, अल्लाह का करम है और इसके अंदर हम लोग मज़ीद तरक्की करेंगे, ये हमारा अपना वादा है। बहरहाल इसीलिए आज आप लोग को याद किया गया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पर शेख रशीद साहब के 1999 से पहले के साथी, मैं क्या बोल रहा हूँ, शेख रशीद साहब 1999 में सदर MLA बने, लेकिन उससे बहुत पहले के साथी उनके दोस्त ज़ियाउद्दीन बाबा सिद्दीकी साहब, जो शेख रशीद साहब के साथ 10 साल MLA भी रहे, वज़ीर भी रहे
और एक वक्त में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो वो यहाँ के संपर्क मंत्री भी रहे नासिक ज़िले के, और उनका बहुत अच्छा राबता और आना जाना रहा। 2001 का जो फसाद हुआ था उसमें बहुत बड़ी रिलीफ लेकर वो मालेगांव शहर आए थे, और शेख रशीद साहब का ताल्लुक हमेशा कायम रहा। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद इत्तेफाक देखो, मेरा राबता बहुत उनसे मजबूत होता चला गया। अभी जो सोलार पैनल का मैंने पैसा लाया, फंड लाया, वो भी 100 करोड़ रुपये अपने हलके के लिए लाने के लिए हमारी मुलाकात होती रही। जब जब मैं मुंबई गया, जब वो हम लोगों के साथ हम बैठते रहे, सलाह मशवरा करते रहे, और इतना अच्छा मेरा उनका राबता हो गया, इतना अटैचमेंट हो गया, वो हर 2-3 दिन गैप करके मुझे फ़ोन किया करते थे, क्या बेटा कैसा चल रहा है, हालात कैसे है, माहौल कैसा चल रहा है, इलेक्शन कैसा चल रहा है, तू मंत्रालय में आता तो मेरे को बोला कर, मैं भी आऊँगा, कोई काम की ज़रूरत रही तो मुझे बोला कर। इस तरीके का मेरा उनका बहुत गहरा ताल्लुक हो गया था। और कल रात एक अफसोसनाक खबर हम लोगों को मिली पूरे महाराष्ट्र नहीं मुल्क भर के लिए, और उनकी एक खुसूसी ये बात थी जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि जब वो हम एंटी चैम्बर में बैठे थे अजीत दादा पवार साहब के, तो मुझको बोला कि तेरा वजू है, मैंने नहीं, मतलब मैं सफ़र में हूँ कसर पढ़ लूँगा, बोले नहीं मेरी 5 वक्त की नमाज चल रही है, मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू किया हूँ तो बोले मैं पढ़ लेता। वह एंटी चैम्बर में गए, वजू किया, मेरे साथ जब तक बैठे रहे 3 वक्त का टाइम आया नमाज का, 3 वक्त उन्होंने नमाज पढ़ा। और कल हमको बहुत अफसोसनाक खबर मिली कि उनको किसी ने गोली मार दिया, 2 लोगों ने 3 लोगों ने गोली मार दिया और उनका इंतकाल हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, और आज की हुकूमत महाराष्ट्र से मैं मुतालबा करता हूँ कि उनके जो मुजरिम है, जो गोली उनको मारी गई है, जिस बेदर्दी से गोली मारी गई है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, यह अलियान शहर की तरफ से मैं डिमांड करता हूँ। और फिर एक मरतबा उनके लिए मगफरत की दुआ मांगता हूँ और मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ वक्त कम, ऑफिस साहब आगे दुआ कर लें और फिर उसके बाद